आज के इस ऑनलाइन द्वितीय क्लास में, दूसरे क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग यह क्लास जो शारीरिक शिक्षा का है, हम लोगों का पाठ्यक्रम समाप्त हो गया है, लेकिन फिर से पुनरावृत्ति हम लोगों को करना है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग प्राणायाम पर बात करेंगे। शारीरिक शिक्षा जो पाठ्यक्रम है वह क्यों जोड़ा गया है हमारे बीएड से। तो यह स्कूल का एक सब्जेक्ट है, यह आप लोग जानते ही हैं, और इसको इसलिए इसके शिक्षण की पद्धति को भी हमारे बीएड में डाला गया है। प्रारंभ में शारीरिक शिक्षा सिर्फ शरीर के स्तर पर काम करता था, शरीर को ही ठीक करने के लिए व्यायाम के स्तर पर इसकी बातें होती थी, और जो भारी काम होता था उसके लिए शरीर ठीक रहे तो इसके लिए बातें होती। लेकिन बाद में क्या हुआ का कि मानसिक रूप से पढ़ाई का जो पैटर्न बदला, और आधुनिक समय में, आधुनिक काल में तो बच्चों पे तनाव कुछ ज्यादा बढ़ गया। मानसिक रूप से उनको ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा, मानसिक रूप से उनको ज्यादा काम करना पड़ने लगा, और तब इसमें मानसिक अभ्यास को भी जोड़ा गया। तो यह शारीरिक शिक्षा तब शारीरिक और मानसिक और दोनों तरह के स्वास्थ्य के लिए इसमें काम किया जाने लगा। मानसिक स्तर पर भी स्वास्थ्य सही हो और शारीरिक स्तर पर भी सही हो, तो इस तरह इसमें दोनों पक्ष को जोड़ा गया। मानसिक स्तर पर, जो भारत के संदर्भ में मानसिक स्तर पर स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, इसके लिए इसमें योगाभ्यास को जोड़ा गया, हठ योग को जोड़ा गया। और उसके अंतर्गत जो हठ योग के 8 नियम है, आसांग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 अंगों को जोड़ा गया कि ताकि कि मानसिक स्तर पर बच्चे इतने स्वस्थ, सुंदर और स्थिर हो जाए कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम सभी को हम लोगों ने अध्ययन किया है। आज हम लोग विशेष तौर पे प्राणायाम पर बात करेंगे, क्योंकि हम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जुड़े हुए हैं, और अभी जो हमारी वर्तमान परिस्थिति है उसमें श्वासों की समस्या ही सबसे बड़ी बात है। तो हम प्राणायाम पर बात करते हुए इसकी पुनरावृत्ति भी कर लेंगे और कुछ अभ्यास भी अभी हम सीख लेंगे, ताकि अभी जो हम लोग लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं, तो कुछ अभ्यास से हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ जाए। तो प्राणायाम क्या है? प्राण जोड़ आयाम, आयाम यानी विस्तार करना। तो अपनी प्राण शक्ति का विस्तार करना प्राणायाम है। प्राण हम जो जीवन यापन करते हैं, जो हमारी जीवन शक्ति चलती है, वह माना जाता है कि प्राण शक्ति से चलती है। यह प्राण शक्ति हमें कई स्तर पर प्राप्त होती है, लेकिन मूलतः जो प्राप्त होती है, जो मूलतः हम लोग इस ऊर्जा को, प्राण ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, वह श्वासों के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ऑक्सीजन को प्राप्त करना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, यह भी प्राण ऊर्जा को ग्रहण करने की पद्धति हो सकती है। इस रूप में भी हम इसको ले सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में यह इससे भी ज्यादा विस्तार रूप है। हम जो सोचते हैं, हम जो विचार करते हैं, हम जैसे शब्द बोलते हैं, हम जिस तरह के भाव विचार में रहते हैं, उन सब से जो ऊर्जा मिलती है, उन सब से जो हमारी ऊर्जा बनती है, वह सब हमारी प्राण शक्ति को, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तो यह सारी चीजें हमारे बीच जो होती हैं, विचारों से, खान पान से, श्वासों के माध्यम से, उन सब से हमारे प्राणों को विस्तार मिलता है, आयाम मिलता है। यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है, यह हमारे शरीर में क्यों जरूरी है? तो इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारे मस्तिष्क के सारे संचार तंत्र, जो मस्तिष्क के नस नाड़ी है, उसमें प्राण वायु भरता है, तो वहां से सोचने की, विवेक की शक्ति सही होती है, हमारे स्मरण शक्ति सही होती है, हम शिक्षा के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित हो पाते हैं, और सर हमारी श्वासों की जो समस्याएं हैं वह इसके माध्यम से समाप्त होती है। शरीर के संपूर्ण शरीर में कई तरह के जो प्राणायाम होते हैं, तो उसमें एक प्राणायाम प्राणाकर्षण प्राणायाम है,
जिसमें हम संपूर्ण शरीर में प्राण का आकर्षण करते हैं और उसके माध्यम से, उस प्राणायाम के माध्यम से शरीर का रोम रोम पुष्ट होता जाता है, शरीर का रोम रोम मजबूत होता चला जाता है। तो एक एक अंग पर हम ध्यान करते हैं उस प्राणायाम के माध्यम से, और वहां ऊर्जा का फैलाव करते हैं, प्राण शक्ति का फैलाव करते हैं, और तब वहां प्रत्येक अंग, जहां कहीं भी जरा सा भी कष्ट है, समस्या है, दिक्कत है, तो वहां से वह समस्या समाप्त हो चली जाती है। तो इस तरीके से हम प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर को, अपने मन को, अपने भाव विचार को स्थिर कर सकते हैं, एकाग्रचित कर सकते हैं। और खासकर बच्चों का मन, जो स्कूली बच्चे होते हैं, उनका मन बहुत चंचल होता है, उनका शरीर लगातार विकासशील होता है और उनमें हार्मोनल चेंज होते रहते हैं। तो वह हार्मोनल चेंज के चलते उनका इम्बैलेंस रहता है, उनका जो दिमाग की स्थिति, आपने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा कि विकास के क्रम में उनमें लगातार मन की स्थिति में भी परिवर्तन होते रहता है शरीर के ही तरह। तो इन दोनों में, मन और शरीर में जो संतुलन पैदा करने के लिए यह प्राणायाम बहुत कारगर उपाय है। वह मन को स्थिर कर देता है और आपके, खासकर जो आपके सेक्रेशन है ग्लैंड के द्वारा, उसके ग्लैंड के सेक्रेशन को, हार्मोनल जो परिवर्तन उसी के द्वारा होता है, उसको वह बैलेंस कर देता है। और जब वह बैलेंस हो जाता है तो बच्चा संतुलित हो जाता है और फिर वह किसी भी कार्य को बहुत ही व्यापकता के साथ, मानवीय दृष्टिकोण से और संपूर्णता के साथ कर पाता है। तो इस तरीके से हम प्राणायाम के द्वारा बच्चे को शारीरिक मानसिक स्तर पर बहुत ज्यादा मजबूत रख सकते हैं। प्राणायाम का उद्देश्य क्या है कि बच्चों को एकाग्रचित करना, उनके मानसिक तनाव को खत्म करना और लक्ष्य के प्रति समर्पित कर देना, यह है प्राणायाम का उद्देश्य। यह मानसिक स्तर पर हो गया, और शारीरिक स्तर पर इसके क्या उद्देश्य हो गए, तो इसके इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, शरीर के पाचन शक्ति को मजबूत करना। जब प्राण ऊर्जा के द्वारा प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग को बल प्रदान करना, शक्ति प्रदान करना, ताकत प्रदान करना, जिससे कि प्रत्येक अंग प्रत्यंग सही रूप में काम कर सके, और फिर मन और तन दोनों का जब संतुलन हो जाएगा तो फिर एक सुंदर परिपक्व व्यक्तित्व का निर्माण होगा। और शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है कि हम संपूर्ण व्यक्तित्व से परिपूर्ण एक बच्चे का, एक राष्ट्र के नागरिक का निर्माण कर सके। तो राष्ट्र के नागरिक के निर्माण में यह सहयोगी होगा। तो मूल रूप से बच्चों को कौन कौन से प्राणायाम करवाना बेहतर होता है, तो उसमें दो तीन जो मेन प्राणायाम है, अनुलोम विलोम, उसमें अनुलोम विलोम के द्वारा हम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम है वह हम लोग करवाते हैं, और आप लोग करवा सकते हैं अभ्यास के द्वारा बच्चों के। ये सब अभ्यास में क्या होता है कि बिल्कुल सहजता से क्लासरूम में आप 5 से 7 मिनट में करवा सकते हैं, और इसे ईरा नाड़ी, पिंगला नाड़ी जो दोनों होता है, वह सुषुम्ना को स्थिर करता है। हम लोगों की तीन जो नाड़ियां हैं, जो आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है, तो ईरा और पिंगला और सुषुम्ना, तो ये बायां और दाएं श्वास का संतुलन जब होता है तो वह सुषुम्ना में पहुंच जाता है और मन एकाग्रचित हो जाता है। तो ये 5 से 7 मिनट का अभ्यास अगर डेली कोई भी बच्चा कर लेता है तो उसका मन एकाग्रचित हो जाता है, ये अनुलोम विलोम। इसी में नाड़ी शोधन प्राणायाम आ जाता है, फिर भ्रामरी प्राणायाम आ जाता है, जिससे कि भ्रामरी प्राणायाम से मस्तिष्क के पूरे झंकृत होते हैं, मस्तिष्क के सारे नस नाड़ी, और वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन बहुत फास्ट, बहुत बैलेंस होता है, तो बच्चे की स्मरण शक्ति तेज होती है। फिर प्राणाकर्षण प्राणायाम है, जिससे कि शरीर का रोम रोम पुष्ट होता है, रोम रोम मजबूत होता चला जाता है। तो इस तरीके से प्राणायाम के कई हैं। अब ये सबसे पहले जो प्राणायाम हम करवाते हैं अभ्यास में, वह है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है, नाड़ी क्या है, यह जो आपका संपूर्ण शरीर है वह संपूर्ण
संपूर्ण शरीर के जो नस, जो पतले पतले नस गए हुए हैं, जहां से कि प्रवाह होता है, रक्त का प्रवाह होता है और संपूर्ण शरीर में ऊर्जा जाता है, वहीं से हम शक्ति प्राप्त करते हैं, तो उसका शोधन, वहां ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, तो उस ब्लॉकेजेस को खत्म करना, प्राण ऊर्जा से, श्वासों की गति से, अपने विचार से, अपने ध्यान से, अपनी धारणा से, उसको हम वहां के ब्लॉकेजेस को हटाते हैं। तो शरीर के लिए जो दर्द, गठिया का बीमारी जो होता है, शुगर के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये सारी समस्याएं वहां से समाप्त होती हैं, और खासकर चंचलता, बच्चों की चंचलता समाप्त होती है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे कैसे, जो यह पहला प्राणायाम है उसको करेंगे कैसे? सबसे पहले हम इसकी एक विधि लिख लेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे हमको स्टेप बाय स्टेप करना है। जब हम लिख लेंगे तो हमें फिर प्रतिदिन उसी अभ्यास को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और सूत्र की तरह हम लिख लेंगे। सबसे पहला कैसे करें, तो लिख लेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या होगा कि सीधे बैठ जाएं और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी, तो हम बिल्कुल सीधे रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठ जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, शांत और स्थिर भाव, तो शांत और स्थिर भाव हम कर लेंगे। तीसरा स्टेप क्या होगा कि ध्यान अपने भीतर, अपने अंदर, आंखें बंद, कोमलता से आंखें बंद, तो कोमलता से आंखें बंद कर लेंगे और स्थिर भाव से बैठे रहेंगे। उसके बाद अपने श्वासों पर ध्यान, तो क्या करेंगे, जो श्वास आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, उन श्वासों के आते और जाते हुए श्वासों को हम देखेंगे, उस श्वासों पर ध्यान करेंगे कि वही प्राण ऊर्जा को, वह माध्यम है जो प्राण ऊर्जा को हमारे शरीर में श्वासों के माध्यम से ले जाता है, तो उसको पहले हम देखें, उसको पहचाने, उसको जानने का प्रयास करें। तो दृष्टा भाव से, शांत भाव से, स्थिर भाव से श्वास को देखेंगे और उसको फिर फैलाएंगे, पूरे जगह श्वास जाएगा, पूरे जगह आएगा, तो ये हम लोग अभ्यास करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग नाड़ी शोधन की ओर जा रहे हैं, तो ये अभी हमने श्वासों को देखा। नाड़ी शोधन में क्या होता है, एक सांस से श्वास, एक नाक से श्वास लेते हैं, फिर कुछ देर रोकते हैं और फिर छोड़ते हैं। पूरक, कुंभक और रेचक, पूरक में लेना, कुंभक में रोकना और रेचक में छोड़ना, ये तीन प्रक्रिया होती है। उसमें प्रारंभिक जो प्रक्रिया होती है वो अपनी इच्छा से, अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितनी देर लंबी सांस आप ले सकते हैं लेंगे, जितनी देर आप छोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं रोकेंगे, और जितनी देर आप छोड़ सकते हैं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए दो उंगली को यहाँ रख लेंगे और ये दोनों उंगली से नाक पे रखेंगे, ठीक है, और बाएं नाक से सांस लिए जितने लंबी ले सकते, फिर दोनों नाक बंद करके रोके जितनी देर रोक सकते हैं, और फिर दाहिने से छोड़े, फिर लिए दाहिने से ही रोके और फिर छोड़े। तो यह प्रक्रिया 9 से 10 बार आप 3 बार से शुरू करके 20 बार तक ले जा सकते हैं। यह क्या करेगा, आपके शरीर के जो ब्लड को ले जाने वाली सर्किल है उसको वो ठीक कर देगा। उस सर्किल से आप बिल्कुल स्वच्छ, और ब्लॉकेजेस, जो कोई भी ब्लॉकेजेस है उसको हटा देगा, और तब आपके अंदर आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, यानी बच्चों को जब आप सिखाएंगे तो बच्चों की पावर, बच्चों की सोचने की शक्ति, समझने की क्षमता सब बढ़ेगी। ये जो रुकता है, जब हम सांस भरे तो भरे तो शरीर के अंदर गया, और जब हम रोके तो उतनी देर वो क्या करेगा, संपूर्ण शरीर में फैल के जहां कहीं भी गंदगी होगी, जहां कहीं भी ब्लॉकेज होगा, उस पर वह दबाव बनाएगा, और हम जब छोड़ेंगे तो उसके साथ जो कुछ भी गंदगी, जो कुछ भी ऐसे ब्लॉकेजेस वाले कण होंगे वह बाहर निकल आएगा। जैसे पाइप में देखते होंगे आप कि पानी हम नल में लगा दिए, पानी है, थोड़ा देर कहीं से हम लोग दबा दिए
उस पाइप को दबा देगा और उसके बाद छोड़िएगा तो देखिएगा बहुत तेजी से पानी फेंकता है। तो वैसे ही है, इसमें हम पानी उस पाइप के इतने दूर में भर गया और फिर छोड़े तो तेजी से निकलता है। तो जितने भी उस पाइप के अंदर गंदगी भी रहता है वह झटके में निकल जाता है। तो ठीक, इसी तरीके से जब हम सांस लिए और रोके तो रोकने में वो उतनी देर तक काम करते रहा हर एक नस नाड़ी में, और जब छोड़े तो जो ब्लॉकेज रहा उसके साथ वह वेग के साथ निकल आया। और ये खासकर मस्तिष्क में जाके बहुत तेजी से काम करता है। तो हमारे जो एकाग्र चित्ता है, जो हमारे पढ़ाई पर ध्यान लगाने की मूल रूप से बात है, क्योंकि यह शारीरिक शिक्षा का अंग है और बच्चों के भी शिक्षा देने की बात है, तो बच्चों पे मूल रूप से हम क्या काम करते हैं कि वह नैतिक रूप से मजबूत बने और शैक्षणिक रूप से जागरूक बने। तो नैतिक रूप से भी यह शांत स्थिर मन रहेगा तो नैतिक रूप से वह मजबूत बनेगा, और एक जब शरीर मस्तिष्क के सारे अंग काम सही से करेंगे, यहाँ पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और एमिग्डाला होता है यहाँ, जिससे कि स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो वहां पर जाके जब यह प्राण वायु काम करता है तो वो एक्टिवेट होता है, और जब एक्टिवेट होता है तो मस्तिष्क के चारों तरफ एक ऊर्जा बिंब ऊर्जा बनाता है, एनर्जी बनाता है, एनर्जी फील्ड बनाता है, और फिर वहां से बच्चे के पढ़ाई में मन लगने लगता है। तो इस तरीके से हम प्राणायाम के माध्यम से, ये नाड़ी शोधन पहला प्राणायाम हुआ। दूसरा फिर नाड़ी शोधन की ही दूसरी जो बात है प्रक्रिया, वह है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, हम रोकते नहीं है, बस लेते छोड़ते हैं, लेते छोड़ते हैं। तो उसमें भी बड़ी स्थिर भाव से प्रारंभ में कोई भी काम हम प्राणायाम की कोई भी बात हम हड़बड़ी में नहीं करेंगे। जब प्रारंभ कर रहे हैं तो स्थिर भाव से, तो सांस एकदम बाएं नाक से धीरे धीरे लिए और फिर आराम से छोड़े, फिर उसी दाहिने से लिए बाएं से छोड़े, बिल्कुल आराम से। तो यह भी हम 3 बार से 10 बार कर सकते हैं। तो 3 बार से 10 बार जब हम ये करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से श्वास यहाँ गई, यहाँ से पूरे रीढ़ की हड्डी में आई, फिर यहाँ से निकली, तो पूरा वो सर्किल को साफ कर देता है। तो यह जब अगर डेली सुबह में हम यह खाली पेट में करना चाहिए, लेकिन अगर आप खाली पेट नहीं है, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद भी कर सकते हैं, स्लो मोशन में, धीमी गति में, दबाव बल नहीं पड़े शरीर पर और आराम आराम से करें तो हमें कोई हानि नहीं हो। लेकिन कोशिश यह होनी चाहिए कि खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद हम करें, और खाली पेट में करें तो बहुत ही बेहतरीन प्राणायाम का हमें फल परिणाम प्राप्त होता है। तो यह हो गया 2 प्राणायाम हम लोगों ने सीखा। पहला क्या सीखा हम लोगों ने, नारी शोधन प्राणायाम, और उसके बाद हम लोगों ने सीखा अनुलोम विलोम। और बच्चों के लिए एक जो सब बहुत बेहतरीन है वह है भ्रामरी। भ्रामरी से क्या होता है कि मस्तिष्क के सारी अंग सारे नस नाड़ी खुल जाते हैं। तो भ्रामरी हमको कैसे करना है, तो भ्रमर की तरह आवाज करना है, मुंह बंद रहेगा, आंखें बंद करके कान का बंद करेंगे और तो ये हम भ्रमर का आवाज करेंगे। तो यह भी हम कर सकते हैं 3 बार से 10 बार तक। तो इससे क्या होगा कि मस्तिष्क तेज होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, तो यह हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यह तीसरा हो गया। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है आपको प्राणाकर्षण प्राणायाम। प्राणाकर्षण प्राणायाम में क्या करना है कि सीधे बैठ जाना है और पैर के अंगूठा से हर जगह आपको ध्यान ले जाना है। पैर का अंगूठा हमारा बहुत शक्तिशाली मजबूत, अंगलियां मजबूत, तलवा मजबूत, सभी जगह प्राण ऊर्जा भरना है। एड़ी, एड़ी से घुटना, घुटना से जंघा, शक्तिशाली मजबूत, सब जगह देखेंगे कि ऊर्जा भरते जा रहा है। दाहिना पैर, बायां पैर, बाएं पैर की उंगलियां, एड़ी, तलवा, जंघा, सबको देखते जाएंगे। फिर पेट का क्षेत्र, हृदय का क्षेत्र, दोनों हाथ, पीठ का पूरा क्षेत्र, गला, सभी जगह हम एक एक करके देखते जाएंगे। प्राणों का आकर्षण,
आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, अगर किसी का अनम्यूट है तो म्यूट कर लें आप लोग, और हम लोग सुन लें, फिर सब अनम्यूट करके प्रश्न करेंगे, बातों को सुन लेते हैं उसके बाद। तो इस तरीके से प्राणायाम, हम तीन चार तरह के प्राणायाम कर सकते हैं। जितना ज्यादा हम प्राणायाम करेंगे उतनी ज्यादा प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करेगा। अब जानते हैं कि प्राण शक्ति के रूप में वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ऑक्सीजन की जरूरत हमारे शरीर में होती है, और हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है उसको बाहर निकालने की बात होती है। तो हम जितने ज्यादा प्राणायाम का अभ्यास करते हैं सरलता से सहजता से, तो ऑक्सीजन की हमें प्राप्ति होती है, शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, और छोड़ते हुए श्वास के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और हमारे अंदर ऑक्सीजन पहुंचता है, तो क्या करता है वो शरीर में पहुंचकर और मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं, जो तंत्र होते हैं, जो नस नाड़ी होते हैं, उसको बल प्रदान करता है, और उससे हमारा ध्यान एकाग्रचित होता है, मन स्थिर होता है, विचार स्थिर होते हैं, और हम फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरीके से प्राणायाम का हम लाभ ले सकते हैं। तो ये हमारा प्राणायाम का क्लास हुआ। अब आप लोगों के पास अगर कोई प्रश्न हो तो प्राणायाम से संबंधित तो प्रश्न करें। यस मैम, एक प्रॉब्लम थी। हाँ नाड़ी शोधन प्राणायाम, फिर आपने अनुलोम विलोम बताया, फिर हाँ भ्रामरी बताया था, हाँ उसके जी, बाद उसके बाद मैंने प्राणाकर्षण प्राणायाम बताया। फिर से एक बार बोलिएगा मैम। ये क्रम नहीं है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ये इसके बाद करना है, ऐसा क्रमबद्धता नहीं है। आप स्वतंत्र रूप से अलग अलग भी कर सकते हैं और क्रमबद्ध रूप से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला इसको हमने लिखना बताया था नाड़ी, मैम। हाँ जी, देखिए पहला नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें कि तीन स्तर पर काम होता है। पहला पूरक, कुंभक और रेचक, लेना, रोकना और छोड़ना, ठीक है। दूसरा अनुलोम विलोम हो गया, जिसमें हम लेते और छोड़ते हैं, ठीक है। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं अनुलोम विलोम में भी, एक होता है सूर्य भेदन प्राणायाम और एक होता है चंद्र भेदन प्राणायाम। जब मन बहुत चंचल हो, बहुत तनाव में हो, बहुत परेशानी में हो और सर्दी खांसी जैसी चीजें नहीं हो, तो हम चंद्र भेदन प्राणायाम करते हैं, यानी बाएं नाक से लेते हैं और दाएं से छोड़ते हैं, ठीक है। और मान लीजिए बहुत सर्दी खांसी हो, जुकाम हो, तो उस समय हम सूर्य भेदन करते हैं, दाएं से लेते हैं और बाएं से छोड़ते हैं। तो यह प्रशिक्षक के सानिध्य में ही लेना चाहिए, पूछकर ही लेना करना चाहिए। तो आप लोग प्रशिक्षक ही सीख रहे हैं, शिक्षक ही बन रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके इसे महसूस कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका अनुलोम विलोम। तीसरा जो हमने बताया वो भ्रामरी बताया, ठीक है। भ्रामरी में हम लोग भंवर की तरह अंदर ही अंदर आवाज को गुंजन करेंगे, और वो आवाज अंदर, साउंड इनर्जी उसको बोलते हैं, ध्वनि से प्राण ऊर्जा का प्रवाह। तो हम ध्वनि से जो प्राण आनंद, ये धीरज आप अपना बंद कीजिए, धीरज जी, हाँ। तो आकांक्षा और सभी लोग सुने कि भ्रामरी से क्या होता है, मस्तिष्क में वह आवाज गूंजता है, उसको साउंड इनर्जी बोलते हैं, ध्वनि से प्राण ऊर्जा की प्राप्ति। तो वो आवाज जब आपके मस्तिष्क में जाके प्रवेश करती है, तब आपका ये बहुत तेजी से काम करता है। और फिर हमने बताया प्राणाकर्षण प्राणायाम, ठीक है। प्राणाकर्षण प्राणायाम में क्या करना है, सारे अंग प्रत्यंग को हमको ध्यान लगाना है, ध्यान ध्यान कर करेंगे, हाँ ठीक है। लीजिए ये भीबो 16-10 से कौन जुड़े हैं, जो भी वीवो 16-10 से जुड़े हैं तो वो अपना नाम रोल नंबर लिख के जुड़ना चाहिए था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसमें जैसे वो अपना मास्टर साहब है मैडम। मास्टर साहब है तब ठीक है।
मास्टर्स का नाम नहीं है आ बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी के अच्छा क्लियर हुआ? मैम मेरा फोन ही चार्ज नहीं अगला है। प्रश्न है किसी के पास, तो अगला प्रश्न ऑफ हो गया मैम। जी क्या हो गया? फोन डिस्चार्ज होने वाला है मैम। किसका? मेरा भी और आनंद जी भी बोल रहे हैं। अच्छा, तो जिनका डिस्चार्ज होने वाला है, कोई नहीं, रोल नंबर आप लोगों का ले लिया गया है। आप लोगों के पास प्रश्न है तो प्रश्न कीजिए, नहीं तो हम लोग फिर 5-7 मिनट में क्लास खत्म करेंगे। जी मैडम, हो गया जी। ठीक है, तो और सत्यपाल आपके पास कोई क्वेश्चन है? हाँ सत्यपाल, हैंड रेज आपका है जी। क्या आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है? हाँ सत्यपाल जी, कोई क्वेश्चन? हाँ बोलिए जी। वो जो प्राणायाम का आपने लाभ बताया मानसिक तौर पे, वो हाँ। मतलब एकाग्रजित ना, बच्चों को एकाग्रजित करना, लक्ष्य के प्रति उन्मुख करना, उसको प्राणाकर्षण प्राणायाम, प्राणों का आकर्षण के माध्यम से अपने रोम रोम को मजबूत करना है। तो इससे क्या होता है कि मस्तिष्क एकदम एकाग्रचित हो जाता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, और फिर उससे बच्चे आगे अच्छे से काम कर सकते, क्योंकि कंसंट्रेशन रहेगा तभी बच्चे पढ़ाई सही से कर पाएंगे, एक चीज पर, एक लक्ष्य पर निर्धारण अपना कर पाएंगे, और फिर वो आगे बढ़ पाएंगे। हर एक व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए ही नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि उनका लक्ष्य निर्धारित हो। हाँ, कोई और प्रश्न है किसी के पास? कितने देर की क्लास हुए ये समय देखा? 1:10 तक है मैम। 1:10 तक है? यस मैम। हाँ, 1:10 हो गया है। हम आप लोग 2-3 क्वेश्चन हम दिए थे प्राणायाम पर, आप लोग के पास सभी के पास पुस्तक है? पुस्तक तो है मैम, पर वो दरभंगा में है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन आप लोग लिख ले, अब प्राणायाम का क्या अर्थ है और इसके क्या उद्देश्य है? अच्छा, और ये दूसरा क्वेश्चन लिख ले कि प्राणायाम के क्या क्या लाभ है, फायदा क्या क्या है प्राणायाम से? धीरज आप बताएंगे प्राणायाम से क्या क्या लाभ है? मैडम लाभ ही लाभ है, पूरा लाभ ही लाभ है उसमें। हाँ तो बताइए, 2-3 बताइए जल्दी जल्दी। शारीरिक से लेके मानसिक सारा रूप तैयार होता है उसी से ना मैडम? हाँ, पहला शारीरिक हुआ, ठीक है, मानसिक हुआ, और क्या होता है? साइनस की समस्या उससे खत्म होती है ना, फिर ध्यान सही से लगता है, और अगर उच्च जो हाई बीपी बोलते हैं जिसको, लो बीपी हाई बीपी, वो दोनों को बैलेंस करता है, दोनों ही तरह की समस्या को वो स्थिर करता है जी, और आयु को लंबी करता है, आयु बढ़ाता है, और क्या करता है? बुद्धि बढ़ाता है, आई कम्युनिकेशन बढ़ाता है। बहुत बढ़िया, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, शक्ति बढ़ाता है, और मन में खुशी आनंद पैदा करता है, नैतिक शिक्षा, नैतिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाता है ना जी। तो ये सारी, और सबसे ज्यादा जो मजबूती होती है वह होती है हृदय तंत्र को, श्वसन तंत्र को यह मजबूत बनाता है, जिसके से कि हमारी पूरी जीवन चलती है, तो उसको वह मजबूत बनाता है। तो ये इसके सारे लाभ हो गए। ठीक है मनीष दुबे जी, आप नहीं कुछ बोलते हैं? अरे सब तुम ही पूछ रहा, तो हम कहाँ पूछे भाई। तो पूछेंगे ना। अरे मास्टर साहब का हाल चाल है वो? मैंने क्या, ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा है? मैडम 1 नंबर क्लास हुआ मैडम, क्लास का टाइम तो अभी हो गया मैडम, कोरोना से बचे हैं ना सब आदमी? आप बचे हैं ना मैडम? हमको तो कोरोना नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कोरोना से कैसे बचेंगे?
बस ऐसे प्राणायाम करते रहेंगे, इसीलिए ना ये क्लास हुआ है। प्राणायाम खूब कीजिए, आप कोरोना से बचे। इतने सारे लोग मर रहे हैं, इतने सारे लोग संक्रमण से ग्रस्त हैं, तो आप इसके लिए कुछ मेडिसिन वगैरह? अलग बात है, लेकिन हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। हमारा ये जूम क्लास 7 बजे से हर एक रविवार को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक योगा के लिए, इस अभ्यास के लिए चलता है। और योग के माध्यम से हम लोग लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाइए और स्वस्थ रहिए। हमारे भारत में स्थिति फिर भी बहुत ही अच्छी है, और हमारे यहाँ इसी कारण अच्छी है कि लोग इतने योगाभ्यास से किसी न किसी रूप में और जुड़े रहते हैं, इसलिए स्थिति बहुत कंट्रोल में है। और हम लोग इस अभ्यास को बढ़ाएं, लोगों को जागरूक करें, इसीलिए हमारे शिक्षा शास्त्र के विषय में और स्कूल के विषय में शारीरिक शिक्षा को और योगाभ्यास को डाला गया है, ताकि इसके माध्यम से इतनी मजबूत इम्यून सिस्टम बने, इतनी शारीरिक मानसिक रूप से लोग मजबूत बने कि कहीं कोई समस्या ना आए। हाँ आकांक्षा, ये आप में लिख सकते हैं। चलिए तो हम लोग क्लास खत्म करें जी। आप लोगों का ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग बहुत सुरक्षित अपने घर में रहें, पढ़ते लिखते रहें और परीक्षा की तैयारी करें। जब मैम खुले मैम हाँ मैम एक सवाल है। हाँ बोलिए। हाँ सवाल है, क्या एग्जाम भी सही होगा मैम? नहीं, ये तो राजभवन ने मना कर दिया है कि एग्जाम ऑनलाइन नहीं ली जाएगी, आपको आना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप तो क्लास से जुड़े, हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ते रहें और जीवन को आनंद से आगे बढ़ाएं, घर पे सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।